आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंकी बिहार और उत्तर प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं? क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन है? क्या बिहार के रास्ते आतंकी इंडिया में घुसने की जुगत में रहते हैं? दरअसल भारत से लगी 1751 किलोमीटर की नेपाल सीमा आतंकियों के लिए सेफ जोन मानी जाती है। नेपाल से लगी बिहार की 729 किलोमीटर खुली सीमा आतंकी कनेक्शन को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। पटना से पाक कनेक्शन के खुलासे के बाद अब खुफिया एजेंसियों ने नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। दहशतगर्दों की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। बता दें कि अंडरवर्ल्ड से लेकर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का बिहार कनेक्शन पहले भी उजागर हो चुका है और अब नए तरीके से 2023 में जिहाद कराने की साजिश का खुलासा होने के बाद बिहार में खुफिया ऑपरेशन सर चल रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या और कैसे आतंकियों के लिए सेफ है बिहार। बिहार की राजधानी पटना से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद अब खतरे की आशंका बढ़ गई है। खतरा इसलिए क्योंकि बिहार में घुसना आतंकियों के लिए आसान है। पाक समर्थित आतंकी भारत में नेपाल के रास्ते एंट्री करते हैं। कराची टू भारत का सफर नेपाल के जरिए ही होता आया है। इसका खुलासा बिहार से कई बड़े आतंकियों की गिरफ्तारी से भी हो चुका है। किसी भी घटना के खुलासे में पाक का कनेक्शन सामने आते ही नेपाल सीमा वाले राज्यों में खतरे की आशंका बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24।